Welcome back to our channel. So today we'll take up another regional trade agreement, which is known as SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. हमें नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे जो कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज हैं वो साउथ एशिया की हैं और ये एसोसिएट हुए हैं यानी कि साथ आए हैं फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सबके साथ साथ आना और उनके विकास के लिए उनका कोऑपरेशन चाहिए ताकि सब सारे जो लोग हैं साउथ एशिया के उनको बेनिफिट हो. कोई भी अच्छा डिसीजन अगर साथ लेगा तो उसका बेनिफिट सारे साउथ एशियन के लोगों को होगा. तो अब इसके बेसिक अगर बात करें तो यहाँ पर ये एस्टैब्लिश हुआ 1985 में दिसंबर 8 को. यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, भूटान एंड अफगानिस्तान. अफगानिस्तान 8th मेंबर है और वो बना है अप्रैल 2007 में साक का मेंबर. ठीक है, तो 8th जो अगर मेंबर पूछा जाए तो वो अफगानिस्तान है. ये एक पहला ऐसा एसोसिएशन है जहां पर मेंबर स्टेट्स से ज्यादा तो इसके ऑब्जर्वर हैं. ठीक है, सो ऑब्जर्वर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कोई भी एसोसिएशन नहीं है जहां पे ऑब्जर्वर ज्यादा होते हैं. ऐसा नहीं होता, एक होते हैं, दो होते हैं, लेकिन अगर यहाँ 8 states अगर 8 मेंबर्स हैं इनके तो 9 ऑब्जर्वर हैं. कौन कौन से हैं ऑब्जर्वर? यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, द यूरोपियन यूनियन, ईरान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, म्यांमार एंड मॉरिशस. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो 9 ऑब्जर्वर्स हैं. ठीक है, जो साक का सेक्रेटरिएट है यानी कि जो साक के सबसे पहले डिसीजन मेकर जैसे हमने एशिया में बढ़ा था कौन थे, उनमें जो हेड्स हैं गवर्नमेंट के, जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के जो हेड हैं उनकी मीटिंग को ही बोला जाता है कि ये एक मीटिंग ऑर्गन है, एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है. ऐसा ही साक में भी है. साक में भी जो डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है वो वही है जो मीटिंग हर साल होती है. सो द मीटिंग्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट डिसीजन ऑर्गन ऑफ द साक एज सेम ऑफ एशियन. एंड इन द साक जो सेक्रेटरिएट है यानी कि कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, सेक्रेटरी जनरल, 7 डायरेक्टर्स एंड द जर्नल सर्विस स्टाफ. एंड दिस इज एस्टैब्लिश इन काठमांडू. काठमांडू में है और एस्टैब्लिश हुआ था 1987 में. एंड सो दीज वर द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट साक. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द ऑब्जेक्टिव और द पर्पस ऑफ साक इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल हु लिव्स इन साउथ एशिया. एंड ऑल्सो द अपडेट वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इज द 20th समिट जो होना था अभी 2020 में, या होगा आई वुड से 2020 में होगा. एंड वो होगा इस्लामाबाद में, जो कि पहले कहीं और होना था, इस्लामाबाद में होगा. और जो पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है कि इस्लामाबाद में ही हो. 19th सम में जो पाकिस्तान में होना था वो नहीं हुआ था. वो मैं बोल सकती हूँ अगर कि जो रीजनल डिस्प्यूट से हम कह सकते हैं जो कंट्रीज हैं जो बाकी साथ मेंबर्स हैं उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था. सो इट वाज बॉयकॉटेड बाय ऑल साथ मेंबर्स. या सो 20th समिट विल हैपन इन 2020. जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए साथ के, वो थे अब्दुल एहसन, राइट. एंड द करंट सेक्रेटरी जनरल 2017 में बने हैं. करंट सेक्रेटरी जनरल है अमजद हुसैन, जो 2017 में जनरल सेक्रेटरी बने हैं. 2017. सो दिस इज ऑल फॉर साक. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एनी ऑफ द अपडेट्स ऑफ एग्जाम्स ऑफ एनी ऑफ योर डाउट्स. यू कैन आस्क मी देयर. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.